फ्रेंड्स, आज के टाइमिंग में हर कोई चाहता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स का डेवलपमेंट हो जिसके जरिए वो अपने काम को घर से ही कर सके और घर पे बैठ के ही अपने लिए कुछ अर्निंग जनरेट कर सके और आसानी से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सके और काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल भी उसके ज़रिए वो निकाले। तो ऐसे कौन से स्किल्स को हमें डेवलप करना चाहिए जिसके ज़रिए हम एक फ्रीलांसर बने और घर से ही अपने कामों को कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 5 टॉप फील्ड्स लेके आया हूँ जो आपको एक अच्छा फ्रीलांसर बनाएंगे और अगर आप इन फील्ड्स के ज़रिए आप फ्रीलांसर बनते हो तो डेफिनेटली ये जो फील्ड्स हैं आपको एक अच्छा फ्रीलांसर तो बनाएंगे साथ साथ में आप अच्छी अर्निंग जो है आप घर से ही अपने लिए बना पाएंगे इन कोर्सेज के ज़रिए या इन फील्ड्स के ज़रिए या इन जॉब्स के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानिए कि इन 5 में से कौन सी बेस्ट स्किल्स आपको अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए जिसके ज़रिए आप एक अच्छा फ्रीलांसर आप बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 5 ऐसी फील्ड जो कंप्यूटर की फील्ड्स में आपको एक फ्रीलांसर बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम इन 5 फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी ऐसी 5 फील्ड्स हैं जो आपको एक बेस्ट फ्रीलांसर बना सकती हैं। वैसे फ्रेंड्स, पीछे मैंने आपके लिए या साथ साथ में अभी हमारी एक वीडियो सीरीज़ भी चल रही है जो टॉप 10 कंप्यूटर कोर्सेज की हैं जो आपको फ्रीलांसर भी बनाएंगे, जो आपको जॉब्स भी देंगे और जो आपको एक बिजनेस भी बनाएंगे। आप ये देखिए, तो इनके वीडियो की थंबनेल आप इनके ज़रिए देख, अगर आपने वो कोर्सेज की वीडियोज़ देखी हैं तो वहाँ पर मैंने आपके लिए टॉप 10 कोर्सेज बनाए थे, लेकिन अब उन टॉप 10 में से भी मैं आपके लिए 5 ऐसे कोर्सेज या 5 ऐसी फील्ड्स लेके आया हूँ जो आपको एक फ्रीलांसर बनाएंगी और अगर आप इन 5 में से किसी भी एक स्किल्स को या किसी भी एक फील्ड्स को आप चूज करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं और उसकी स्किल्स को सीखते हैं तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं 1 by 1। ऐसे कुछ नंबर का कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये टॉप पे है या ये जो है लास्ट पे है। आप अपने मुताबिक आप जिस फील्ड में बेस्ट हैं आप उसको चूज कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं और ये आप फील्ड के ज़रिए ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप वही फील्ड चूज कीजिए और उसी में आगे बढ़िए और उसी में एक फ्रीलांसर बनिए। तो नंबर 1 जो कोर्स है फ्रेंड्स आपके लिए या नंबर 1 जो फील्ड्स है आपके लिए वो है डिजिटल मार्केटर। यस फ्रेंड्स, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद अच्छे से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनके ज़रिए आप एक बहुत अच्छा फ्रीलांसर आप बन सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम अपने इंस्टीट्यूट में, मैं खुद इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और मेरे पास में इस कोर्स के 21 मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे कि मैं स्टूडेंट्स के कहता हूँ कि ये 21 मॉड्यूल में से इसमें 10 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप आसानी से एक बेस्ट फ्रीलांसर आप बन सकते हैं और घर से ही आप इनके ज़रिए बहुत अच्छा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो पहला जो फील्ड्स मैंने आपके लिए रखा है या पहली जो फील्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो आप इसके साथ में बहुत सारी स्किल्स अपने अंदर जनरेट करते हैं जिसके ज़रिए आप आसानी से आज के इंटरनेट के वाले दौर में आप इंटरनेट के ज़रिए बहुत से ऐसे काम हैं जो आप खुद घर से ही कर सकते हैं और एक बेस्ट फ्रीलांसर आप बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस कोर्स के बारे में सोचिए और अगर आप चाहते हैं कि एक फ्रीलांसर बनना और घर से ही काम करना तो वहाँ पे नंबर 1 पे जो है आपके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। नंबर 2 पे फ्रेंड जो मैंने आपके लिए रखा है वो है वेब डिज़ाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, वेब डिज़ाइनर बनना, आप इस फील्ड्स के ज़रिए एक अच्छे वेब डिज़ाइनर आप बनते हैं तो आज के टाइमिंग में हर किसी कंपनी को अपने लिए एक वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आप घर से ही अपने लिए आप एज ए फ्रीलांसर के रूप में प्रोजेक्ट आप ले सकते हो और कंपनीज को घर से ही आप उनकी वेबसाइट्स को बना के आप दे सकते हो। तो ये फील्ड्स भी आपके लिए एक बेस्ट फील्ड है एज ए फ्रीलांसर के रूप में। अगर आप अपना करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाहर की जो भागम भाग वाली जो लाइफ है उससे आप छुटकारा पाके आप घर से ही आप काम करना चाहते हैं, और अगर आप फीमेल्स हैं और आप आफ्टर मैरिज के बाद भी चाहते हैं कि फैमिली भी देखें और घर से ही कुछ काम भी करें, तो आपके लिए ऐसे फ्रीलांसिंग के जॉब्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। अगर आप ऐसे कोर्स को करते हैं तो आप अपने लिए घर से ही आप रेवेन्यू या घर से ही आप अर्निंग आप अपने लिए
बना सकते हो। तो नंबर टू पे जो आपके लिए है फ्रेंड्स वो है वेब डिज़ाइनर। नंबर थर्ड फील्ड की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वो है आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा काम इसके ज़रिए मिलता है घर पे ही। और बहुत से ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो आपको घर पे ही काम प्रोवाइड करती हैं और आप एज ए फ्रीलांसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। मैंने इनके ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जो आपको घर बैठे ही एज ए फ्रीलांसर के रूप में आप जॉब आप ले सकते हैं। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए और इनके अंदर देखिए कि कौन सी वेबसाइट है जिनके ज़रिए आप एज ए फ्रीलांसर के लिए आप ट्राई कर सकते और आप इन वेबसाइट के जरिए आप घर से ही अपने लिए काम ले सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बेस्ट फील्ड है फ्रेंड्स। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको ग्राफिक में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर इस फील्ड में एंटर करना चाहिए और इसका कोर्स करने के बाद एज ए फ्रीलांसर के रूप में आप अपने करियर को आगे इसमें बढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड जानते हैं नंबर फोर के बारे में। जो नंबर फोर पे फ्रेंड्स आपके लिए हमने रखा है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटी फील्ड से हैं और आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप जानते हैं और आपने जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपने प्रोग्रामिंग्स वगैरह आपने पढ़ी होगी। तो आपने प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद ईजिली अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बनना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक बेस्ट फील्ड है जिसके ज़रिए आप घर से ही आप जो है सॉफ्टवेयर्स डेवलपमेंट कर सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो और घर से ही आप अपने क्लाइंट्स को ये सभी आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट जॉब है, काफ़ी बेस्ट फील्ड है एक फ्रीलांसर के रूप में। इस फील्ड में अगर आप काम करें तो आप घर से ही अपने लिए काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है इन कोर्सेज के ज़रिए या इन फील्ड्स के ज़रिए आप निकाल सकते हो। तो नंबर फोर पे जो आपके लिए फ्रेंड्स वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। नंबर फाइव पे जो आपके लिए रखा है फ्रेंड्स वो है वीडियो एडिटर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज के डेट में वीडियो एडिटिंग वीडियोज़ की डिमांड्स बढ़ रही है, जैसे कि आप मुझे भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और वीडियो कंटेंट आज के डेट में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि आज के टाइमिंग में लोग टेक्स्ट को कम पढ़ते हैं और वीडियोज़ के ज़रिए ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि उनको वीडियो के जरिए डायरेक्टली लाइव जो है वो प्रैक्टिकल भी मिलता है तो वीडियो कंटेंट काफी पॉपुलर हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। अब लोग टेक्स्ट पढ़ना कम और वीडियो देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब आप मुझे देख रहे हैं YouTube के ज़रिए। तो YouTube आज के डेट में एक जो है नंबर वन ऑनलाइन वीडियो लाइब्रेरी बन चुकी है। तो वीडियो कंटेंट्स जहाँ पे कि एक हर किसी को अपने वीडियोस बनाने हैं, लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन उनको अच्छे तरीके से वीडियो की जो एडिटिंग, जो प्रोफेशनल एडिटिंग जो करनी है वीडियोज़ की, वो लोग नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे वो किसी एक वीडियो एडिटर्स को जो है वो हायर करते हैं या अपनी वीडियोज़ वीडियो एडिटर को देते हैं। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग में एक इस स्किल्स को अगर आप सीखें, इसका अच्छे से कोर्स करें तो आप इसके ज़रिए ही काफ़ी काम आप घर से ही ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग करके उनको दे सकते हो। तो आप एक अच्छे वीडियो एडिटर अगर आप बनते हैं तो आपकी डिमांड्स काफ़ी बढ़ती है और इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। करेंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो काफ़ी जॉब्स जो है वो वीडियो एडिटिंग में इस टाइम अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की टाइमिंग में है डिजिटल वर्ल्ड्स के ऊपर। तो वहां पे एक वीडियो एडिटर की जो जॉब ऑप्शन है उसके लिए काफी अवेलेबिलिटी है। तो ये टॉप फाइव ऐसी फील्ड्स मैंने आपके लिए निकाली है फ्रेंड्स। तो वैसे टॉप टेन वीडियोस की सीरीज मैं आपको दे रहा हूं, वो टॉप टेन वीडियोस भी काफी बेस्ट आपके लिए हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट फाइव की बात करें तो आप एक चाहते हैं कि एक फ्रीलांसर बनना और घर से आप काम करना चाहते हैं तो आप ये बेस्ट फाइव जो फील्ड मैंने आपको दी है इनमें से किसी भी एक को चूज करके आप उस पर अच्छे से काम कीजिए, अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से उसमें बिल्ड कीजिए और आप घर से ही इसके ज़रिए आप अपने लिए काम निकाल सकते हो। तो ये थी दोस्तों आपके लिए ऐप वीडियोस जिसके ज़रिए आप एक फ्रीलांसर आप बन सकते हैं कंप्यूटर के ऐसे कोर्सेज के ज़रिए। कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो इस वीडियोस में जो मैंने आपके लिए फाइव ये टॉपिक्स निकाले और फाइव फील्ड्स जो मैंने आपको दी हैं ये बेस्ट फाइव हैं जिनके ज़रिए आप एक अच्छे फ्रीलांसर आप बन सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और फील्ड्स हैं जो इनके साथ भी बेस्ट हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप एज ए फ्रीलांसर ग्रुप में आप काम कर रहे हैं तो आप किस फील्ड में बेस्ट काम कर रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि उसके आपके ये कमेंट्स के ज़रिए मैं आगे अपने स्टूडेंट्स या अपने व्यूअर्स के साथ में इस चीज़ को शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।